नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। बलौदाबाजार घटना में दोषी पाए जाने और भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने प्रेस वार्ता लेते हुए बताया, भारत की आजादी के बाद छत्तीसगढ़ में बलौदाबाजार आगजनी जैसी पहली घटना हुई है, जिसमें विधायक देवेंद्र यादव को फंसाना प्रदेश की भाजपा की सरकार की सोची समझी साजिश है। देवेंद्र यादव ने ना ही किसी मंच में भाग लिया, ना ही किसी प्रकार का भड़काऊ भाषण दिया। किसी विधायक के भड़काने से लोगों के द्वारा इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दिया जा सकता है, यह सोचने वाली बात है। लखेश्वर बघेल ने भाजपा के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा कांग्रेस को बदनाम करने और अपनी नाकामी छुपाने के लिए ही ये सारे हथकंडे अपना रही है। हमें पता है यह पूरी तरह से भाजपा की ही सोची समझी साजिश है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में, चाहे देश के इतिहास में, जो बलौदा बाजार में घटना हुई, वो घटना आज तक आज़ादी के बाद कभी हुई नहीं थी। उस घटना को लेकर के पहले जो समाज के द्वारा उस जो जेत काम को छेड़छाड़ किए गए थे, कार्रवाई नहीं करने पर सभा समाज के द्वारा आयोजित की गई थी, और समाज उस सभा में हमारे कांग्रेस के विधायक माननीय देवेंद्र यादव उधर कहीं रायगढ़ कहीं जा रहे थे, उस भीड़भाड़ को देखकर वहाँ रुके। ना मंच में उसने भाग लिया, ना कोई भड़काऊ भाषण दिया, ना उसका कुछ लेना देना नहीं था। तब भी भाजपा के द्वारा इस प्रकार से उनको षड्यंत्र पूर्वक फंसा के जिस तरह की उन्होंने पुलिस के माध्यम से जो कार्रवाई कराई, गिरफ्तारी कराई, वो उचित नहीं था। ना उसे घटना से कोई लेना देना यादव जी का नहीं था, और उस घटना के पहले मेरे खुद को मालूम है, विधानसभा सत्र चल रही थी उस समय, एसपी कलेक्टर को मिलकर उन्होंने आए थे, उसके पश्चात भी उनके द्वारा पुनः कलेक्टर एसपी को मिलने के लिए गए थे, उस समय कहना उस संबंध में कोई चर्चा उनके द्वारा नहीं की गई, और जिस नाटकीय ढंग से उनको गिरफ्तार किया गया वो उचित नहीं है। और जो घटना हुई, इतनी बड़ी घटना हुई, कौन ऑर्गेनाइज किया था, कौन खाने का व्यवस्था किया था, कौन पंडाल की व्यवस्था किया गया था, कौन भोजन की व्यवस्था किया गया था, कौन परमिशन लिया था, उसके संबंध में कोई पुलिस के द्वारा ना प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लेकिन द्वेषवश हमारे विधायक को फंसाया गया, और उस घटना में इतनी भीड़ हुई, और जो सुरक्षा एजेंसियां थी, जो इंटेलिजेंस थे, वो कहां गई थी? इतने भीड़ एकत्रित हुआ और इतना बड़ा घटना के अंजाम दिया, उन लोग गाड़ी जला रहे थे, कलेक्टर जला रहे थे, इतने बड़े कार्रवाई पुलिस के द्वारा क्यों नहीं की? प्रशासन छुप के मौन क्यों था? एसपी के द्वारा क्यों मौन था? ये सब जांच का विषय है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई न करके हमारे विधायक के को इस प्रकार द्वेष भावना के साथ, ये षड्यंत्र के साथ जो गिरफ्तार किया, हम लोग उसको निंदा करते हैं। और कई जांच के विषय है। उस घटना में पता लगता है कि नागपुर से 200-250 लोग आए थे, वो कौन बुलाया था, ये सारी बात है। ये सब बात को छिपा रही है, अपनी नाकामी को राज्य सरकार छिपा रही है, और हमारे कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इस प्रकार षड्यंत्र करके हमारे विधायक को फंसाया गया, उसको हम लोग निंदा करते हैं। और इस तरह के घटना को और आगे बढ़ाती है, उनको रिहाई नहीं करते हैं, तो आगे भाजपा को भुगतना पड़ेगा, ये कांग्रेस की तरफ से है। हम अल्टीमेटम दें इसके संबंध में, आज तो पत्रकार वार्ता लिए हैं, कल धरना प्रदर्शन भी पूरे प्रदेश में होगी। जांच के सवाल ही नहीं, जांच तो करना पड़ेगा, जांच तो मांग करते हैं, और निर्दोष साबित करना पड़ेगा उनको, ये षड्यंत्र पूर्वक की गई है। जो भाजपा के लोग
इतने लोग हैं वहाँ पर, जिलाध्यक्ष था और कई तरह के पदाधिकारी थे, एक्स MLA थे, उनके ऊपर एक पत्राचार नहीं कर रही है पुलिस, ना उनको पूछताछ नहीं कर रही है। एक हमारे विधायक जो दुर्ग जिला से रिलेटेड है, उनके द्वारा जाके भड़काने से इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया, और समाज के लोग एक विधायक की भड़काऊ भाषण पे इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया, ये सोचने वाले विषय। हमारे कांग्रेस को सिर्फ बदनाम करने, उनकी नाकामी को छिपाने के लिए इस तरह के BJP काम कर रही है। हम तो चाहते हैं कि ये तो BJP का षड्यंत्र है, BJP के द्वारा ऐसा काम किया गया है, तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। हमारे जो विधायक को किए थे उसको निंदा करते। विटाम न्यूज के लिए जगदलपुर से बास की ठाकुर की रिपोर्ट।